तो फिर से एक नया एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। इसी एप्लीकेशन में 1 रुपीस देखिए आपको 50 रुपीस का पेटीएम कैश मिल जाएगी डायरेक्ट बैंक। आप डायरेक्ट बैंक पर ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो, ये मेरा एप्लीकेशन है, ये पर देख सकते हो। इस भारत पे मर्चेंट, भारत पे फॉर मर्चेंट, इस एप्लीकेशन आपको ओपन करना होगा। मैं इसको ओपन कर लिया था, इसलिए ओपन करके आपको साइनअप कैसे करना है मैं इसको फिर से। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर स्टार्ट एक्सेप्ट पेमेंट, मैं इसको स्टार्ट पेमेंट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको मिलेगा आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिए, आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। मैं इसको पेटीएम का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर ऐसा नेक्स्ट बटन है, उसके बाद क्लिक करना होगा, अलाउ कर दीजिए। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। आपके साथ एक OTP आएगा, यहाँ पर आपको OTP आएगा, तो OTP यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, मेरा OTP आ गया है, पर देखो तो। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, ठीक है। नीचे देखो तो वेरीफाई आइकॉन देखने के मिल गया है, इसे वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैंने तो वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। इसके बाद ऐसा पेज आया मेरा, यहाँ पर आपको मुझे डालने की बोल रहा है, इंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, योर रिकीविंग योर पेमेंट। आपको इंटर योर बैंक अकाउंट, इसके बाद IFSC को डालना है। तो मैं इसको फिर से डाल देता हूँ, मैं पेटीएम का मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके पेटीएम का बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, फिर से डाल दिया तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद IFSC कोड, पेटीएम का IFSC कोड यहाँ पर देख लीजिए, PYTM01234566 पेटीएम का इसको। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको देख लेता हूँ मेरा बैलेंस कितना। दोस्तों मैंने आ गया मेरा बैंक अकाउंट पर, यहाँ पर देख सकते हो मेरा वॉलेट अभी कितने रुपीस है, मेरे पास देख सकते हो मेरा अभी 179 रुपीस है। उसके बाद मैं इसको डेबिट करके देख लेते हैं मेरा यहाँ पर कितना रुपीस। देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे 933 रुपीस है, यहाँ पर देखिए तो 933 रुपीस मुझे यहाँ पर पेमेंट बैंक पर है। तो देख लेता हूँ यहाँ पर फिर से, उसके बाद मुझे जाना है इस एप्लीकेशन से। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है दोस्तों, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। आपके साथ ऐसा लोड लेना है, लोड लेगी तो उसके लोड होने के बाद यहाँ पर वेट करना होगा आपको। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के वेट कर लेते हो। हाँ दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, अब ये लोडिंग ले रहा था। मेरा बैंक अकाउंट नाम किसका नाम है यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ये बोल रहा है आपका बिजनेस नाम क्या है डालने के लिए। यहाँ पर जैसे 1 रुपीस मुझे रिसीव होगा, यहाँ पर जैसे तो रिसीव योर 1 रुपीस। दोस्तों यहाँ पर जैसे तो मुझे 1 रुपीस मिल चुका है। तो दोस्तों एक से आपको 50 रुपीस का कैशबैक मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिजनेस नाम ले रहा है, आप तो 24 घंटे अंदर 50 रुपीस का पेटीएम कैश मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको नाम देना है बिजनेस का, मैं बिजनेस का नाम देता हूँ, ठीक है। वही नाम तो मेरा नाम है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम दे लिया। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होगा, मैं यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आपको भी कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। आपके साथ मर्चेंट अकाउंट यहाँ पर भारत पे ओपन हो जाएगी। तो लोड हो रहा है, तो लोड होने दो, वेट करना होगा आपको। मैं इसको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अलाउ करना होगा, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपका ये कॉन्ग्रेचुलेसन आपका रेडी हो गया आपका भारत। दोस्तों ऐसा है आपका पेज आ गया इस एप्लीकेशन से, आप जैसे क्विक फ्री मर्चेंट। दोस्तों ये है बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्री, तो देख लेता हो यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों एड्रेस, सिटी, बिजनेस नाम, QR कोड आपको मिल जाएगी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और नाउ।
बैक कर लेता हूँ। उसके बाद ट्रांजेक्शन, आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए पैसा मिलेगा। तो अभी तक मुझे इस एप्लीकेशन बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मुझे आपको वीडियो में समझ रहा हूँ। इसको आपको पहले मुझे समझने, आपको एक बार देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। मुझे नहीं पता है कि ट्रांजेक्शन करने के पैसा देगी नहीं। रजिस्टर करने के लिए मुझे 1 रुपीस मिला है, आपको भी मिलेगा। 1 रुपीस से 50 रुपये का पेटीएम बस आपको मिल जाएगी। आपको ये नोटिफिकेशन एड बैक कर लेते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट आपका, इसके बाद QR कोड, इसके बाद आपको देखने के मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरेंस पर जाके यहाँ पर जैसे ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट, माइन प्रोसेसर लिंक, यूर स्टिकर, हेल्प, लॉग आउट, फिर दोस्तों यहाँ पर तो इतना सारा मिल जाएगी आपको। आपका बैलेंस चेक मिलेगा, यहाँ पर पेमेंट लिंक, आप QR कोड है, इस मेरा है QR कोड। अब दोस्तों मेरा QR कोड रेडी हो गया, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। फोन पे, व्हाट्सएप, ट्विटर, तेज, इतना सारा आपको पे यहाँ पर ले सकते हो। एयरटेल, हाई, इतना सारा पॉकेट से हो ले सकते हो। दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। मैं इसको जाके देख लेता हूँ मेरा पैसा आया कि नहीं, यहाँ पर देख तो चेक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आज आ गया, यहाँ पर बैलेंस 1 रुपीस रिसीव हो गया। अब मेरा बैलेंस था इसलिए यहाँ पर 1 रुपीस रिसीव हो गया। दोस्तों 33 34 मुझे बैलेंस रिसीव होगा, आपको भी मिलेगा। जो दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना ना, कमेंट करनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो शेयर भी कर सकते हो, मैं इस लिंक को शेयर कर दीजिए, आपका फ्रेंड भी देख सकते हैं। 1 रुपीस लेने के लिए 1 रुपीस से 50 रुपीस पेटीएम का इस्तेमाल मिल जाएगी 100%। बाय दोस्तों।